ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। परिवारवाद की राजनीति को लेकर पीएम मोदी लगातार विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हैं। अब इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर जबरदस्त कटाक्ष किया है। उद्धव ठाकरे ने परिवारवाद की राजनीति पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया और कहा, राजनीति में परिवार कभी कभी अच्छा होता है क्योंकि उनकी परंपरा होती है, वरना फकीरों का क्या? फकीर झोला उठाकर निकल जाएगा और जनता के हाथ में कटोरा दे जाएगा। पीएम मोदी को जवाब देने के साथ उद्धव ठाकरे ने सीधे अमित शाह से सवाल करते हुए कहा, मैं अमित शाह से सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम विपक्ष के नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई लगा रहे हो। विपक्ष के नेताओं के सामने दो ही विकल्प रखते हैं, या तो जेल जाएं या बीजेपी में शामिल हों। ऐसे में कुछ लोग खोखों के लिए लाचारी में बीजेपी में चले जाते हैं। आप हमारे नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते हैं, लेकिन जब ये लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो क्या आप लोग गोमूत्र छिड़क कर इन्हें शुद्ध करते हैं? तुम्हारे साथ रहें तो पवित्र, हमारे साथ रहें तो भ्रष्ट है कोई जवाब इस बात का? आप उद्धव ठाकरे के परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी को ऐसे जवाब पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।